दमण प्रशासन द्वारा कोरोना ने वत्ता जोता संक्रमण ने अटकाववा माटे कड़क नियमों बनावी ने दमण के सेलवास में प्रवेश करवो हो तो फरजियात वेक्सिनेशन डबल डोज फरजियात हशे तो ज प्रवेश आपवामां आवशे। दमण में कोरोना ने अटकाववा माटे पहला थी रात्रि कर्फ्यू अमल में छे, जो के सहले गए स्थल पर एवं दमण में गुजरात और महाराष्ट्र में मोटी संख्या में लोग आता होने कारण कोरोना संक्रमण वधवानी शक्यता रहेली छे, जेना पगले प्रशासन द्वारा डबल डोज वेक्सिनेशन सर्टी हो तो ज बहार व्यक्ति ने दमण में प्रवेश आप जाहिरनामु बहार पड़ू। नमस्ते दोस्तों, मैं तपस्या राघव, जिला कलेक्टर दमण, आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में दमण में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसके कारण एहतियात के रूप में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि कल यानी कि दिनांक 6 जनवरी 2022 से आगामी सूचना मिलने तक सभी प्राइमरी स्कूल एवं आंगनवाड़ी बंद रहेंगे। साथ ही दमण जिले के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रैवलर्स को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। पर इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम पुनः पूरी मुस्तैदी से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजर्स इत्यादि का उपयोग प्रारंभ करें। मेरा सभी उद्योगों, सभी एस्टैब्लिशमेंट, सभी दुकानदार मित्रों, होटल ओनर्स, मैनेजर्स, अन्य सभी प्रकार के कर्मचारी तथा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने कार्यस्थलों, उद्योगों, होटलों, गाड़ियों में मास्क पहनना सुनिश्चित करें तथा ऐसा करना अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। यदि किसी भी उद्योग में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कोई भी व्यक्ति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वायलेट करता पाया गया तो ना सिर्फ उस व्यक्ति पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा बल्कि उस उद्योग, होटल इत्यादि के मालिक की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी। प्रशासन द्वारा जिन जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी प्रतिदिन सूचना प्रकाशित की जाती है। जिस भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है उससे ये अनुरोध है कि वे तुरंत अपना दूसरा डोज ले लें। यदि आपके घर में कोई वृद्ध या कोमॉर्बिडिटीज वाले व्यक्ति हैं तो आपको सावधानी रखने की और भी ज्यादा जरूरत है। पिछली बार की तरह जितना कम से कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है परंतु संयमित रहने और सावधानी रखने की पूरी आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सहयोग से प्रशासन इस महामारी से पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा।